पुराना सा किस्सा है, संभवतः रूस का है, शायद उस दौर का रहा होगा जब कम्युनिस्ट शासन किसानों की जमीनें छीनने के लिए उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर रहा था। ऐसे कई लोगों को कम्युनिस्टों ने उठाकर साइबेरिया जैसी जगहों पर अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था, जब उनकी मौतें भी हो गई थी, कई हजारों लोग इसमें मर गए थे। तो ऐसे ही दौर का शायद किस्सा रहा होगा, और ऐसा ही एक नौजवान था जो कि जेल में बंद था। अचानक एक दिन उसके पास उसके पिताजी की चिट्ठी आई, और चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, अगर तुम बाहर होते और मेरी मदद कर पाते तो कितना अच्छा होता। बुआई का समय करीब करीब नज़दीक आ चुका है और खेत जोतने में मदद करने के लिए मेरे पास कोई नहीं। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी। जेल में बंद था, वो कुछ खास कर नहीं सकता था, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद जो बूढ़ा था उसके घर अचानक पुलिस पूरे दलबल के साथ आ पहुंची। उन्होंने बूढ़े को घेर लिया, उससे खेत का पता पूछा और खेत में जाकर खुदाई उन्होंने शुरू कर दी। पूरा खेत उन्होंने खोद डाला और आखिर में पुलिस कप्तान बोला कुछ नहीं मिला, और ये कहते हुए उसने बूढ़े को एक चिट्ठी थमाई और चला गया। बूढ़े ने चिट्ठी खोली तो बूढ़े ने देखा कि उसके बेटे की चिट्ठी थी, और चिट्ठी में लिखा था कि खेत हरगिज मत खोदना, विद्रोह के लिए जो मैंने हथियार इकट्ठा किए थे वो मैंने खेतों में ही दबा रखे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस ने इसी के लिए खेतों की खुदाई कर दी थी। थोड़े दिन के बाद बूढ़े के पास दूसरी चिट्ठी आई, और चिट्ठी में लिखा, बेटे ने लिखा था कि पिताजी, उम्मीद है खेत खोद डाले गए होंगे और जेल में बैठकर मैं आपकी इतनी मदद कर सकता था। तो शायद इस तकनीक को थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। जब लोग कहते हैं कि आपके पास संसाधन नहीं है या आपके पास स्रोत नहीं है, तो उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। आशा है आपका आज का दिन अच्छा गुजरेगा। धन्यवाद।